हेलो दोस्तों, एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं खेत तरफ आया हूँ। आज का मौसम थोड़ा ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा है। आज मौसम खुला हुआ है और साथ में बारिश भी नहीं गिर रहा है, तो मैं खेत तरफ आया हूँ घूमने। कितना हरा भरा लग रहा है हर जगह, आप लोग देख सकते हैं। आधा धान लग चुका है, आधा थोड़ा बहुत बचा है। और आपको मैं अपना तालाब भी दिखाऊंगा। अच्छा पानी भर गया है, लबालब अच्छा लग रहा है। और अभी मैं इधर आया हूँ, मैं अपने खेत तरफ आया हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको अपना खेत में धान पूरा ख़राब हो गया है, क्योंकि बारिश ज़्यादा भरने के वजह से पूरा कम से कम 10-15 दिन तक पानी ज़्यादा भरा रहा। इसी वजह से पूरा धान सड़ गया दोस्तों, आधा सड़ गया है और थोड़ा बहुत ही बचा हुआ है। अभी इसके लिए कुछ देख रहे हैं। किसान बहुत मेहनत करता है दोस्तों, उसके बाद लास्ट में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि उनका पूरा फसल ख़राब हो जाता है। और वही हुआ है अपने साथ, पानी ज़्यादा भराव के वजह से अपना खेत ख़राब हो गया। इधर एक ही रास्ता है, बहुत बड़ा वाला रास्ता पानी जाने के लिए, तो उसी रास्ते में ही खेत पड़ता है, तो उसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो वो ख़राब हो गया दोस्तों, देख सकते हैं। ये पूरा धान सड़ गया, बचा उधर थोड़ा बहुत बचा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं इस तरफ। और इधर का पूरा ख़राब हो गया पानी भराव के वजह से। तो पूरा मेहनत पानी में चले गया। अभी अपने को यहाँ के लिए कुछ और करना पड़ेगा दोस्तों। या तो रोपा, अगर कहीं हम लोग रोपा भी नहीं लगाए हैं, या तो कहीं अगर रोपा होगा तो खरीद सकते हैं। अभी कोई नहीं देगा दोस्तों, क्योंकि सब लोग अपने लिए रोपा लगाते हैं। यहाँ का तो ख़राब हो गया। उसके अलावा जिस खेत में अच्छा धान हुआ है मैं आपको दिखाऊंगा। छोटा छोटा बनाओ हुआ है खेत। ये वाला जो रास्ता है ये पूरा इधर से पानी जाता है, ज्यादा पानी जाता है। और यहाँ का धान थोड़ा बहुत है दोस्तों, देख सकते हैं। देखिए यहाँ से पानी इस तरफ जाता है, पूरा भरा भरा हुआ था इधर पानी, इसलिए इधर इधर का पूरा धान आप लोग देख सकते हैं। इधर इधर का पूरा धान सड़ गया है, बाकी इधर का ठीक हो गया है धान, आप लोग देख सकते हैं सामने में। देखिए दोस्तों, ये जो खेत है इसको इस बार हम लोग ट्रैक्टर से पूरा लेबल कर चुके थे। आप लोग मेरे वीडियो में अगर देखते होंगे तो मेरे वीडियो में देखा ही होगा ट्रैक्टर से लेबल करने वाला। इसी खेत को हम लोग लेबल कर रहे थे और अच्छे से लेबल कर चुके थे, फिर भी यहाँ पे पानी का पूरा भराव एकदम बहुत ज़्यादा है, देख सकते हो पूरा पानी भर गया है और धान पूरा सड़ गया। यहाँ पर भी कोई मतलब नहीं रहा, इस बार पूरा धान खराब हो गया। इसके ऊपर वाला खेत में मैं आपको दिखाऊंगा अभी लेके, मेरे पीछे देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा बहुत धान है और बाकी पूरा पानी भरा हुआ है, आधे से ज़्यादा तो सड़ गया। और अपने खेत के चारों तरफ से थोड़ा जंगल है, बाकी दूसरे जगह में जैसे बाहर में होता है ना, खेत रहता है चार और कहीं जंगल ही नहीं दिखता है, एकदम मैदान जैसा खेत रहता है, वैसा नहीं है दोस्तों यहाँ पे। यहाँ पे अपने तरफ पूरा खेत के किनारे से पूरा जंगल लगा है, बहुत सारा जंगल है, आप लोग देख सकते हैं। ऐसे ही है अपना दंतेवाड़ा जिला में, ऐसे ही खेत मिलेंगे आपको दोस्तों। यहाँ का धान ठीक है, काफ़ी बेहतरीन है, बहुत अच्छे से दिख रहा है। यहाँ का धान नहीं सड़ा है,
देख सकते हैं आप लोग, हम लोग की तरफ एक ही सीजन धान लगाया जाता है क्योंकि केनाल उनाल पानी वानी का कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, तो वन फसल किया जाता है खरीफ फसल। तो इस सीजन में भी धान खराब हो जाएगा तो कैसे लगेगा आप लोग खुद समझ सकते हैं, पूरा धान खराब हो गया है अपना। अभी इस साल का तो कोई मतलब नहीं रहा। दोस्तों मेरे खेत के बगल में बहुत बड़ा चट्टान है, पहले बचपन में हम लोग यहीं पे गर्मी की छुट्टियों में आते थे, पिकनिक आते थे और इधर ही खाना बना के खाते थे। ये अपना बचपन की यादें हैं और आपको मैं आज दिखा रहा हूँ। आया था खेत तरफ तो लग गया था, ये भी दिखा दूँ, देख सकते हैं आप लोग बहुत बड़ा चट्टान है, बहुत दूर से फैला हुआ है और उसके किनारे से जंगल भी लगा हुआ है। मौसम भी बड़ा मस्त है और हरा भरा एकदम मस्त दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए पानी भरा हुआ है, आपको मैं आगे और दिखाऊंगा यहाँ का खूबसूरती। देखिए घास मस्त। और हम लोग ना ये देख यहाँ पे खा, ये इधरी चूल्हा बनाते थे, ये इधरी ये पास हम लोग ये पास में चूल्हा बनाते थे, इधर खाना उना बना के फिर ना चारों तरफ इतना दूर से फैल के बैठते थे और खाना उना खाते थे और ना मस्त यहाँ खेलते थे। ये देख पेड़ में चढ़ के भी खेलते थे और एक खेल का क्या नाम है, बंदर जाड़े वाला खेलते थे, फिर उसके बाद जाते थे शाम को पूरा गंजी वंजी लेके। अभी बहुत सारा बदला सा लग रहा है, वाह देखो यहाँ का चट्टान के बीच में पानी है, गड्ढा था ना वहाँ पानी, इतना सुंदर दिख रहा है नेचुरल तरीके से, मस्त है।